पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया। वर्तमान समय में एनजीओ या स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाएं विभिन्न योजनाओं के तहत काफी लाभ सरकार से ले सकती हैं। भाजपा महानगर की ओर से नारी शक्ति वंदन अभियान, शक्ति संवाद और चाय पर चर्चा कार्यक्रम वीएवी लोधी इंटर कॉलेज सम्राट अशोक नगर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जाटव ने कहा की महिलाएं शक्ति सहायता समूह बनाकर केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार 90% तक ऋण उपलब्ध करा रही है। महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना गर्भवती महिलाओं को बच्चों के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता उपलब्ध होती है। महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना लागू है। इस दौरान सहायता समूह की ज्योति महिला शक्ति स्वयं सहायता समूह की आंचल शर्मा, महादेव सहायता समूह की रंजना, जयगुरु देखा सैनी, स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिया नाज़िम। आज यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ पर चाय पे चर्चा एक प्रोग्राम है उसके लिए आए हैं, और यहाँ पर हम मेनली जो आए हैं वो अपने समूह को सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव आया है वो बताने के लिए आए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े। इस तरीके की जो योजनाएं हैं उससे हमारे जीवन में ये चेंज आता है कि जो हम महिलाएं पहले दूसरों पे डिपेंड रहती थी, पहले ये करते थे कि हम पैसे दूसरों से लेते थे, अब हम वो नहीं करते, अब हम खुद अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। अच्छा शर्मा है, और आज हम शक्ति वंदन अभियान के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमने अपने स्वयं सहायता समूह हमारा कैसे काम कर रहा है मुरादाबाद शहर में उसके बारे में चर्चा करी है। आज किस तरह से आप काम करते हैं, किन योजनाओं का लाभ लेते हैं? सर, हमने स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ के समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना जैसे से जोड़ा है, और कोविड के समय में हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें खुद सेल्फ डिपेंड होने के लिए मोदी जी की तरफ से झंडे बनाने का काम मिला, जिसे स्वयं सहायता समूह ढूंढा से हमें मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। क्या बदलाव आया है? चेंजेस यह है सर, कहीं ना कहीं रोजगार की कमी थी, सारा डिपेंड हम पति पर रहते थे, आज हम खुद सेल्फ डिपेंड है कि हाँ हम भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। आज शक्ति बंधन अभियान के तहत भारत सरकार ने जो 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो महिलाओं के लिए कार्य किए हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास महिलाओं का बढ़ाया है, जिस प्रकार से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, उन्हीं सब विषयों को लेकर आज एनजीओ और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को साथ बैठकर उनको समझाया गया है, उनको बताया गया है कि किस प्रकार सरकार उनके लिए सहयोग कर रही है, और वे आगे क्षेत्र में जाकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसी प्रकार से महिलाओं के समूहों को, स्वयं सहायता समूहों को और एनजीओ को आगे उनको बताएं कि किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार से मोदी जी की योजनाओं का लाभ लेना है, सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है। इन योजनाओं में अच्छी बात यह है कि सभी धर्म जाति को लेकर चला जा रहा है, सबका साथ सबका विकास का नारा है, और इसी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है कि महिलाएं सशक्त बने, स्वाभिमानी बने और उनका आत्मविश्वास जागरूक रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।